गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आपसे मैं बोलूँ ए, तो क्या आप ऐ के टुकड़े कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। तो वर्ण भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर। अब है वर्णमाला। वर्णमाला नाम से पता है, वर्णों की माला। वर्णों की माला यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। क्लियर। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हमारी वर्णमाला में बच्चों 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। अब 52 कौन कौन से होंगे? स्वर 11। स्वर जानते हो आप, ए आई ई, ठीक है। व्यंजन कह गए 33 होते हैं। अयोगवा, अयोगवा क्या होते हैं बच्चों? जो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये होता है अंग और अह। अंग तो क्या हो गया? अनुनासिक। और अह क्या हो गया? विसर्ग, ठीक है। तो अयोगवा कितने होते हैं? 2। क्लियर। इसके बाद अतिरिक्त वर्ण होते हैं 2, ठीक है। अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं? 2। और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। आगे समझ में। इस तरह हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 11। अब स्वर के भेद बच्चों। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। सबसे पहले ह्रस्व। ह्रस्व क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ए, ई, ऊ, री। क्लियर। दीर्घ, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ। अब देखो आ हो गया, ई, ऊ। क्लियर। प्लुप्त, प्लुप्त क्या होगा? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओ। लेकिन बच्चों हिंदी भाषा में प्लुप्त स्वर का कोई महत्व नहीं होता, केवल 2 स्वर का महत्व है, ह्रस्व और दीर्घ। आया समझ में? एक बार दोबारा देख लो। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर कितने होते हैं? 11। इसके बाद है स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है और प्लुप्त जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। ऐसा समझ में? सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में वर्ण की परिभाषा लिखेंगे, वर्णमाला की परिभाषा लिखेंगे और स्वर की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।